हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, होप आप सब अच्छे हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये साइड पॉकेट कैसे निकालते हैं एक कार्डिगन। फ्रेंड्स, ये साइड पॉकेट है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। किसी भी लेडीज़ कार्डिगन में, किड्स के कार्डिगन में आप इसे डाल सकते हैं। ये जो पैटर्न है फ्रेंड्स, ये मैंने साइड का और बटन पट्टी का ये पहले सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। मैं इसको इसका लिंक ज़रूर अटैच कर दूंगी ताकि आप देख सकें किस तरह से बटन पट्टी में ये साइड का बॉर्डर हल्का हल्का उभर के आए और जो आपके बटन के लिए होल्स हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। एक छोटा होल है, एक बड़ा होल है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप उसे लिंक से देख सकते हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला घर हम एज इट इज अभी ले रहे हैं, ये तो हमारा बटन पट्टी का ही पैटर्न है, तो ये हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। इनसे जो साइड पॉकेट होती है ना, ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ता है। कई बार फ्रंट पॉकेट में अगर वो टाइट ना रहे तो झोल आ जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड में फ्रेंड्स, मैं हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से एंड के चार घर मैं यहाँ छोड़ रही हूँ, चार फंदे छोड़ रही हूँ निट करना, क्योंकि यहाँ से हम अपना बॉर्डर स्टार्ट करेंगे पॉकेट के लिए। तो उल्टी साइड में पहला घर हम एज इट इज स्लिप करेंगे फ्रेंड, उसका अगला जो है हम इसे अभी स्लिप कर रहे हैं फॉर द टाइम, बट नेक्स्ट टाइम से इसे बनाएंगे। उल्टा लेंगे एक दूसरी तरफ और इसको हम इस तरफ देखते रहिए, उस तरफ को ये सीधा आएगा इस तरह से, एक सीधा। ये एक्चुअली हम एक छोटी सी पट्टी बना रहे हैं जो आपकी पॉकेट की साइड में एक बॉर्डर आएगा, ये वो है। ठीक है फ्रेंड्स, अब धागा अपनी तरफ, ये और ये, यहाँ पे हमें दो घर इकट्ठे घटाने हैं, ये इस तरह से आप देखेंगे ये हो गया। बाकी आप नॉर्मल बनाएंगे जैसे आप बना रहे थे, कोई डिज़ाइन है तो आप उसे कंटिन्यू कीजिएगा, उसमें चेंजेस ना, उसे अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कीजिएगा। अगर बीच में जैसे मेरे, आप देखोगे जो कार्डिगन में मैंने डाला है, तो मेरी जो बीच में केबल है वो आ रही थी, लेकिन मैंने उसको इस तरह से कट ऑफ किया है कि वो कहीं से भी गंदा ना देखिए। तो अब आती है हमारी फ्रेंड जिसकी रो 2, यही हमारी रो 2। रो 2 में हमें नॉर्मल जो चीज़ आप पट्टी बना रहे हैं वो वैसे ही बनाइए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अपना डिज़ाइन बनाएं, जितने आपके पास फंदे हैं उतने में बनाइए ज़रूर। हाँ, लेकिन जहाँ से हमारी पट्टी स्टार्ट हो जाएगी उसका ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे हमें दो घर, यहाँ पे जो है दो फंदे जो आप देख सकते हैं इस तरह से घटाए थे, तो इस वाले को हमें ऐसे स्लिप करना है, निट नहीं करना है। फिर हमने एक उल्टा फंदा, धागा उस तरफ, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, ये एक उल्टा, धागा उस तरफ और ये आखिरी वाला सीधा। ये हमारा इस तरह से पट्टी तैयार हो रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम रो 1 एंड 2 ही अब रिपीट करेंगे। धागा उस तरफ, जो सीधा है उसे सीधा ही नेट करना है, जो उल्टा लिया है उसे उल्टा ही नेट करेंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स, जो हमने ये देखिए अभी वो दो घर आगे जहाँ पे हमने एक स्लिप किया था, तो इन दोनों को हमें इकट्ठे बनाना है। आप फिर से देखिए, ये स्लिप किया है हमने इसको, और इसके साथ हम एक को घटाएंगे ताकि जो शेप है हमारी कटिंग की वो साथ साथ में चलती रहे। बस फ्रेंड्स, यही पैटर्न रहेगा। जितनी भी आपको अपने पॉकेट की लेंथ यानी कि जितनी भी कटाई रखनी है उतनी डीप आप इसे रखिए, उतना आगे तक चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, एक एक घर घटाते जाएं, एक एक फंदा ही घटाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं घटाएंगे एक टाइम पे, एक से लाइन में, बाकी सब सेम चलेगा। हमारी फ्रेंड्स, वही रोज आप इसको रिपीट करोगे, इन दो घरों को एक साथ बनाएंगे, जो स्लिप किया है उसके साथ में एक घर हम घटाएंगे ज़रूर, एक फंदा ज़रूर घटाएंगे, बाकी सब सेम टू सेम फॉलो करते रहिए।
जैसे कि मैंने ये डेमो के लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स, पीस तो छोटा पीस है, तो मेरे लिए इतनी डीप कटिंग डेमो के लिए सफिशेंट है। आप देख सकते हैं इतनी सफिशेंट है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब पॉकेट का फ्रंट तो बन गया, अब हमें इसकी बैक साइड भी बनानी है, जिसके लिए हम इसके बैक साइड से जहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट करी है वहाँ से आगे तक बॉर्डर से दो तीन घर आगे तक आप दो तीन फंदे एक्स्ट्रा लेकर, मतलब इतने घर नीचे पीछे की तरफ से उठाओगे। तो उनको उठाने के लिए आइए सीखते हैं किस तरह से उन्हें उठाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो 4 घर हैं इनको हम हटाएंगे, और एक सेफ्टी पिन में या सिक्योर करने के लिए आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसमें इन्हें पिन अप कर देंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसकी बैक साइड पे चलते हैं। बैक साइड पे पहले तो जो थ्रेड है हम इसे कट कर देंगे, क्योंकि अभी नीचे कंटिन्यू होगा, ऐसा छोड़ते हुए ताकि वो उधड़े ना, इसलिए हम इसे कट कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स आइए सीखते हैं फंदे हमें किस तरह से उठाने हैं। जहाँ से हमने कटिंग करी है उसकी सीध में ही नीचे से उठाएंगे। जितना डीप आपको पॉकेट चाहिए उतना डीप आप इसे उठा सकते हैं। मैं इधर से उठा रही हूँ इस तरह से। आपको जो भी तरीका इजी लगता है उठाने का आप वो फॉलो कर सकते हैं, जो आपको आता है ऑलरेडी। अगर नहीं आता है तो इस तरह से उठा लीजिए, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने अराउंड 8 फंदे जो हैं उठाए हैं ऊपर की लाइन फॉलो करते हुए, 8 या 9 फंदे होंगे फ्रेंड्स जो मैंने पिक करे हैं। अब हमें इस पे इसको नेट करना है। अब नेट करने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे, ये जो धागा है अब इसमें हमें इसे ज्वाइन करना है, और सिंपल जैसे हम नेट करते हैं ना फ्रेंड्स उसी तरह से करेंगे। पहले तो आप इसको जोड़ लीजिए अच्छे से, टाइट रखिएगा यहाँ पर। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो धागा है ना इसको सिक्योर ज़रूर कर लीजिएगा, वरना ये खुल जाता है। अभी मैंने नहीं किया है, मैं नेक्स्ट रो में कर दूँगी। आप चाहें तो इसको अभी से ही एक नॉट बना लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये खुलेगा नहीं। ये हो गया ठीक है, ये अब हमारा ज्वाइन हो गया थ्रेड इधर से। अब हमें बैक साइड इस तरफ रखनी है, ये तरफ हमारी बैक साइड, और फ्रंट साइड जो होगी अंदर की तरफ बनेगी, यानी कि अंदर की तरफ से ये सीधा सीधा बनना चाहिए और बैक साइड से ये उल्टा आना चाहिए। आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, उल्टा बना देंगे तो फिर वो ऊपर जाकर ना दिखता है, वो विजिबल हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो अब इस साइड को हम रॉन्ग साइड लेंगे, और जो अंदर की तरफ साइड आएगी फ्रेंड्स वो हमारी और ठीक वाली साइड होगी, यानी कि राइट साइड होगी। ये मेरा देखिए मैंने सिक्योर नहीं किया था तो ये खुल गया है। जो गलती मैं आपको बोल रही हूँ वो मुझसे ही हो गई है यहाँ, तो कोई बात नहीं, इसको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं। वो भी देख सकते हैं कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये मैंने अब ठीक कर, इस तरह से हम इसको देखिए ठीक करेंगे। खुल गया ना तो उसके नीचे से इस धागे को ऐसे निकाल के बना देंगे फिर से और ले लेंगे। अब मैं इसको सिक्योर करूँगी इस धागे के साथ। एक्चुअली मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी, बट वो थोड़ा ज़्यादा छोटा रह गया धागा, तो वो ओपन अप हो गया। बट नेवर माइंड, सॉल्यूशंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, हो गया इस तरह से सिक्योर। अब हम फ्रेंड्स इसको सीधा सीधा निट करते रहेंगे टिल द लेंथ जहाँ पे हमने 4 जो साइड वाले सिक्योर करे हैं ना सेफ्टी पिन में, वहाँ तक आपको पहले इसको बनाना है। उसके ऊपर नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि जहाँ पे वो है वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पहले वहाँ तक उसे निट कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ।
आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, हम ऑलमोस्ट उस लेंथ पे पहुंच गए हैं। राइट, आप इसको बीच बीच में मेजर करते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा बन जाएगा तो आपको वापस खोल कर उस पॉइंट पे आना पड़ेगा, उसका और कोई सॉल्यूशन है नहीं। क्योंकि हम एक बार ये लास्ट रो नेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, हो गया। अब हम इसे सेफ्टी पिन से जो है निकाल देंगे। आप देख सकते हैं लेंथ पे हम पहुंच गए हैं। इसको ओपन करके वापस जो है निडल में ले लेंगे। बहुत ही आराम से कीजिएगा, हो गया। और इनको, और अब इनको हमें ज्वाइन कर देना है, जो हमारी पॉकेट की बैक साइड है उसको और इसको। अब हम एक साथ फ्रेंड्स निट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइटली लीजिएगा, ये हो गया इस तरह से। अब हमें फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा, जहाँ तक हमने कटिंग दी है ऊपर, जहाँ तक कटिंग करी है, अब हमें वहाँ तक इसको निट करना है, फिर वहाँ पर जाकर हमें इसे ज्वाइन करना है। तो वहाँ तक अभी आप इसको सिंपली निट करेंगे, पूरा एक साथ नेट करेंगे। फ्रेंड्स बीच बीच में इसको मेजर ज़रूर कीजिएगा, लेंथ के बराबर ही हमने चलना है कटिंग के। अभी हम ऑलमोस्ट बराबर पहुंच गए हैं। तो आइए अब सीखते हैं, अब हम इसे ज्वाइन किस तरह से करेंगे। पहले ये एक सिलाई है, इसे हम फॉलो करके पूरा दूसरी तरफ जाएंगे, और फिर वापसी की जब हम इस तरफ रॉन्ग साइड पर आएंगे तो हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, तो अब हमें इसे ज्वाइन करना है। पहले तो हमने जो चार फंदे हैं वो बना दिए, ठीक है। आपको मेन ध्यान रखना है फ्रेंड, जितने हमारे स्टार्टिंग में पूरे फंदे थे उतने ही रहने चाहिए। यानी कि मैंने 22 फंदे लिए थे तो ये 22 ही होने चाहिए, 20 जितने भी थे उतने टोटल काउंट रहना चाहिए। उस अकॉर्डिंगली आप इसको ज्वाइन करेंगे। अब एक बार फिर भी काउंट करेंगे तो ठीक रहेगा। ये आपने स्टार्टिंग के अपने बटन पट्टी के काउंट कर लिए, इतने थे। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो उस तरफ है वो काउंट कर लीजिए, इस तरफ भी काउंट कर लीजिए कि हमारा टोटल कितने पे सेट हो रहा है। ये हमारा इतने पे टोटल सेट हो गया, यानी कि चार फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो जो चार एक्स्ट्रा हैं इनको हम कोने के चार को उनके साथ इकट्ठा जोड़कर बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इन चार को हमें उनके साथ मिलाना होगा। तो मिलाने के लिए भी काउंट हो गया पूरा एक बार वापस इस तरह से, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, इसे हम निकाल लेंगे। अब इनको हमें इकट्ठा ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करेंगे आप वो देखिए फ्रेंड्स। पहले तो जो धागा है ओपन, इसको अपनी तरफ कर लीजिए ताकि वो बाहर की तरफ यानी कि फ्रंट साइड की तरफ ना रह जाए। इसको बैक साइड ले लीजिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स जो आगे वाला फंदा है वो और ये एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ नियर से। ये फिर से देख लीजिए इस तरह से, ये वाला फंदा और ये वाला, धागे को टाइटली पकड़ेंगे, ये और ये, इन दोनों को एक साथ हम नेट करेंगे तभी ये पीछे वाला बाइंड ऑफ होगा। ये इस तरह से हमने अब आपस में जोड़ दिए हैं। हमारे पास चार एक्स्ट्रा थे तो हमने चार ही छोड़े हैं, इनमें पांच वही हम इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे।
इस तरह से। ये हो गया हमारा लास्ट, ये लाइन अप हो गया, बस ये हो गया। अब हमें जो है, जो जैसे हमने बना रहे थे बटन पट्टी, सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, अब कोई चेंज नहीं आएगा। जो डिज़ाइन आप डाल रहे थे वो इसके आगे एज इट इज़ आप कंटिन्यू करेंगे जैसे आपने पहले डाला हुआ था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ आपकी पॉकेट कैसी लग रही है। ये देखिए हमारा छोटा सा डेमो पीस रेडी है, छोटू पॉकेट। ये देखिए ये हमारी कटिंग है, इस तरह से बड़ी पॉकेट या छोटी पॉकेट। अब इसकी जो लाइन है ये फ्रेंड्स तभी आती है जब हम एक बार अच्छे से इसकी कटिंग करते हैं। हमें एक बार भी भूलना नहीं है, बैक साइड से फिर इन दोनों को आप निडल की हेल्प से सिलेंगे, सुई धागा, सुई धागे की हेल्प से इनको आप सिल देंगे, ये साइड भी और दूसरी साइड भी। फिर आपकी पॉकेट बिल्कुल रेडी है इस तरह से। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने ये डाली है, ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे डिज़ाइंस और आइडियाज़ कैसे लगते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।